बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली की रेहड़ी पटरी वाले असंगठित कामगार कांग्रेस से अरविंद कुमार जी के नेतृत्व में लोग यहां पर आए हैं और इनकी डिमांड है कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन्हें जो तंग किया जाता है उनके कार्ड बनाए जाएँ, उन्हें उनके लिए सुविधा दी जाए। जो भी इनकी डिमांड है उसके लिए ये काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकी बातचीत। अरविंद जी, आज जो आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? देखिए, हमारी एक ही मांग है कि रेहड़ी पटरी कानून का धारा 20 के तहत ग्रीवांस कमेटी बनाने का प्रावधान है, जिस कमेटी को कोई जज हेड करेंगे और दो अन्य सदस्य होंगे। ग्रीवांस कमेटी का मुख्य काम होगा कि कोई भी रेहड़ी पटरी वालों को कोई समस्या होता है, उसको कोई प्रताड़ित करता है, कोई परेशान करता है, तो ग्रीवांस कमेटी में जा सकता है। और दिल्ली में पहले भी देखा गया है, रेखा रानी और जेपी सिंह का कमेटी हुआ करता था, जिससे रेहड़ी वालों को बहुत राहत मिला। तो हम सिर्फ यही डिमांड कर रहे हैं कि ये ग्रीवांस कमेटी को जल्द से जल्द गठन करो, क्योंकि आप फुटबॉल की तरह रेहड़ी पटरी वाले के मुद्दे को एमसीबी के बीच में और इधर से उधर आप टहला रहे हो और रेहड़ी पटरी वालों को कोई राहत नहीं मिल रहा है। डंडे पे डंडा और मार्केट का मार्केट उजर रहा है और बोला जा रहा है कि सर्वे होगा। कब सर्वे होगा? जब कोई रेहड़ी पटरी वाला रहेगा ही नहीं तो सर्वे किसका होगा? लोग यहाँ पे उठा रहे मामला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए, उनका कहना है कि हमने बहुत सारी योजनाएं की हैं और उन्हें क्या किया है? जाके आप कोई मार्केट में घूमे, कहीं पे जाके देखे, किसी को कोई लाइसेंस मिला, किसी को कोई पहचान पत्र मिला, किसी को कोई दुकान मिला, क्या मिला है? बहुत कुछ किया है। क्या किया है? कोई एक व्यक्ति का उदाहरण दे कि मैंने उस व्यक्ति को उस स्थान पे उसे जगह दिया है। कोई एक व्यक्ति का भी उदाहरण दे दे। आज माल सामान इनका उठा के ले जाया जाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। केजरीवाल बोलते हैं कि एमसीडी का मामला है, एमसीडी बोलता है कि दिल्ली सरकार ने नहीं किया है। हम इसी बीच में फुटबॉल की तरह इधर से उधर जा रहे हैं। हमारा मांग है कि हमारा एक ग्रीवांस कमेटी बना दो और हम वही ग्रीवांस कमेटी से अपना सोल्यूशन करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। हाँ, कहाँ पे बाजार लगाते हो? मीना बाजार। मीना बाजार जी। ये उंगली तोड़ दी, इनने उंगली तोड़ी, मेरा पांव तोड़ दिया। ये सारी उंगली तोड़ दी है। किसने तोड़ दी है? पुलिस वालों ने। अच्छा, क्या समझे? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते हैं आपको यहाँ से कोर्ट से ऑर्डर है, यहाँ से बच्चा मत लगाओ। तो आपकी रोजी रोटी का क्या होगा? हमारी बताइए आप क्या करें? हम हमारे को जो है बिल्कुल बेकार कर दिया है। 8 दिन में 1 बजे लगाते हैं, 2 घंटे के लिए 4 बजे से शाम को 5 बजे तक लगाते हैं, फिर चल जाते हैं बस। तो आपकी क्या मांग है? हमारा यहाँ तो इतवार को लगाते हमारे मांगे है, हमारे लाइसेंस चाहिए, हमारे रेहड़ी पटरी वाले के लाइसेंस चाहिए, इनके इलेक्शन से पहले मुझे लाइसेंस चाहिए रेहड़ी पटरी वाले। पुलिस वाले गठिया उठा के ले जाते हैं, पुलिस वाले हमको कमेटी आती है, कमेटी गठिया उठाती है, कमेटी वाले मार नहीं देते अभी तक। धरना प्रदर्शन करने आए हैं अरविंद केजरीवाल के निवास के सामने, तो किस लिए आए हैं सर? ये न्याय मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी तो पहली बात तो रेहड़ी पटरी वालों को जो इन्होंने कहा था कि हम पक्के करेंगे, आज तक पक्के नहीं करें, ना ही कर्मचारी पक्के करें के जो कर्मचारी समझे, जो वादे किए हैं वो याद दिलाने। क्या क्या वादे किए थे केजरीवाल सरकार ने? केजरीवाल सरकार ने तो वादे तो बहुत करे थे, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों से जो जीत के आए थे आज तक वादे पूरे नहीं। तो आप कब तक धरना देंगे यहाँ? ये देखते हैं, अब चल रहा है। सरकार का काम है कि हर भारतीय नागरिक को रोजगार देना, उन्हें रोजगार से जोड़ना। आज भारत के सरकार के पास सबसे बड़ी कोई दिक्कत है, कोई मुसीबत है, तो वो है रोजगार को पैदा करना। हर देश
की सरकार के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरीके से वो अपने नागरिकों को रोजगार दे। आज भारत में इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो बेचारे चोरी करने पे, डाका डालने पे, चाकू मारने पे मजबूर है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग रेहड़ी पट्टी वाले एक ऐसा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है, एक ऐसा वर्कर्स है, एक ऐसा रोजगार पैदने वाला व्यक्ति है कि जो खुद रोजगार करने के साथ साथ और दो चार लोगों को रोजगार देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको